हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश एंड जो आप फ्रेम में देख पा रहे होगे टाटा नेक्सॉन। और गाइज ये देखो स्टार्टिंग में एनिमेशन देखो भाई गाड़ी की। गाड़ी को अनलॉक करते ही इतनी सारी एनिमेशन हैं। एंड ये गाड़ी कौन सी मैं आपको अगर बताऊँ तो ये है नेक्सॉन ईवी कीज। आप देख सकते हो नॉर्मल टाटा नेक्सॉन वाली की चाबी बिल्कुल सेम मिली है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं गाड़ी में। बट हाँ ओवरऑल नई लैंग्वेज के साथ आई है। अगर आप ICE मतलब पेट्रोल वाली नेक्सॉन से कंपेयर करो तो ये स्टार्टिंग में ये फ्रंट में DRL अलग है। मोर ओवर इसके अंदर भी वही आपके प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आ रहे हैं। टोटली नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करा जो ये, इसमें आपको ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, ORVM पे कैमरा, हर चीज़ मिल जाती है। मतलब गाड़ी फुली लोडेड जैसे पेट्रोल वाली नेक्सॉन है वैसी ये भी फुली लोडेड है। साइड की बात करें तो सेम एज़ पेट्रोल नेक्सॉन, कोई ऐसे फ़र्क आपको मिलेगा नहीं। बट हाँ ओवरऑल हर चीज़ में डिज़ाइन चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, फीचर्स ऐड हो गए हैं जो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। एक छोटा सा आप एक ग्लिम्स देखो इंटीरियर का। यहाँ पे आप सबसे पहली चीज़ जो देखोगे JBL का साउंड सिस्टम। मोर ओवर इंटीरियर की लुक्स चेंज है, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ें ऐड कर दी हैं, हुक्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। एक बार गाड़ी के पीछे चले तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई टाटा नेक्सॉन बेस्ट सेलर गाड़ी तो थी ही, उसका एक रीज़न ये भी था कि इसमें स्पेस काफ़ी थी और कंफर्टेबल गाड़ी थी। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं आपको ये सेंटर में, कप होल्डर मिल रहा है, गाड़ी की विड्थ काफ़ी ठीक है तो आराम से इसमें पीछे तीन जने बैठ सकते हैं। बस सेंटर वाले पैसेंजर के लिए भी एक दे देते हेडरेस्ट एडजस्टेबल तो ठीक रहता। एक लाइट पीछे की ज़रूर कमी लगेगी। अंडर थाई सपोर्ट देखोगे तो मेरे को थोड़ा सा लैकिंग लगा, जबकि टाटा वालों ने बोला था अच्छा खासा हमने ऐड करा है। नी रूम ठीक है, लेग रूम ठीक है, ओवरऑल गाड़ी में पहले भी कोई कंप्लेंट नहीं थी उसकी। अगर हम बात करें स्पेस वगैरह की, अभी भी स्पेस की कंप्लेंट नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट जो कहते इंप्रूव करा है वो इतना नहीं लगा। आगे का डैशबोर्ड देखो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपग्रेड करा है, पर उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो दो AC वेंट्स मिल जाते हैं। Type-C 45 वॉट मतलब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर, वो आपको पीछे भी मिलेगा, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है गाड़ी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है, जिसको अभी हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा हॉट सेलिंग गाड़ी है एंड क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है कि नेक्सॉन के टाइम पर लॉन्च होने के लिए टाटा ने इतना ज़्यादा हाइप बनाया, लोग इतने सारे इकट्ठे हुए। रेयर की बात करोगे तो वही सारी हमारी जैसे फ्रंट में DRL है, रेयर में भी कनेक्टिंग लाइट जो आजकल हर ब्रांड दे रहा है। डोर पैनल की बात करें तो एक ही चीज़ की कमी लगती है, वो है ये इंडिका विस्टा वाले बटन। पहले भी यही आते थे, अब भी यही आते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपके JBL के स्पीकर्स, हाइट एडजस्टेबल सीट्स वाइट एंड ग्रे कलर में, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था। वेंटिलेटेड सीट्स हैं बट इलेक्ट्रिक नहीं है, आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इस चीज़ की मेरे को कमी लगी, ये एक टाटा और करते थे तो बहुत बढ़िया लगता। अंदर आती पहली चीज़ जो आप देखोगे वो है स्टेयरिंग व्हील, इतना ज़्यादा प्रीमियम स्टेयरिंग व्हील। बटन आप देख सकते हो एंड ये बैकलिट वाला स्टेयरिंग व्हील है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जो नज़र जाएगी ना आपकी इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे जाएगी ही जाएगी, फुली डिजिटल। ऐसा लगता है कि किसी बहुत महंगी जैगुआर लैंड रोवर को जैसे अब टाटा ने खरीद रखा है तो पक्का उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्हीं की डिज़ाइन लैंग्वेज कॉपी करके यहाँ पे उन्होंने इस प्रोडक्ट में दिया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें इतने मल्टीपल फीचर्स है, ट्रिप इन्फो, रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसी के साथ इतनी सारी इसमें कस्टमाइजेशन है कि आप पूछो मत। ये आपको नॉर्मल नेक्सॉन से ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन मिल रही है, काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हो चलाने में लैगी नहीं है। 12 पॉइंट समथिंग इंचज की टच स्क्रीन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन है एक गाड़ी के अंदर लगाई जाए तो। एयर प्योरीफायर आपको इसके अंदर मिल जाता है एंड काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, मतलब एलेक्सा भी है, एप्पल कारप्ले भी है, एंड्रॉयड ऑटो भी है, JBL के स्पीकर सिस्टम की सेटिंग्स भी है, उसी के साथ मतलब एंडलेस फीचर्स है। और इसमें अब वो आर्केड करके एक और नई चीज़ आई है जिसमें आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। प्लास्टिक की क्वालिटी देखोगे तो थोड़ा सा अलग फिनिश में है। पिलर्स पे आपको ट्विटर मिल जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको आया प्रीमियम ऑडियो सेटअप मिलेगा JBL की तरफ से। नीचे आपको एक टच पैनल मिलेगा AC के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, ठीक है अच्छा है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट बन जाएगा पर ये। या आप इसका कैमरा देख पाओगे 3D व्यू, मतलब ये देखो लैंड रोवर वगैरह में जैसा कैमरा आता है वैसा सेम सॉफ्टवेयर के साथ आपको अब नेक्सॉन में मिलेगा। और कैमरा क्वालिटी चेक करो गाइस, इतनी ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर कैमरा क्वालिटी, मतलब बेस्ट इन सेगमेंट। टाटा के कैमरा जितने अच्छे होते नहीं थे पर नेक्सॉन में तो बेस्ट इन सेगमेंट निकाला है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी है, इतनी ज़्यादा सेल्स है तो इस प्रोडक्ट पर क्यों ना काम करा जाए। ये जो अब आप देख पा रहे हो ये है JBL के बेसिकली साउंड मूड्स कि आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए अपने स्पीकर से जो मिमिक करेंगे वो। नीचे गियर बॉक्स देखोगे वो भी किसी प्रीमियम गाड़ी से निकलता हुआ लगता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये इलेक्ट्रिक वर्जन है इसलिए ये दोनों चीज़ें मिल जाती है। वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक ब्रेक और ऑटो होल्ड आपको
आईसी इंजन वाली में नहीं मिलता है। ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं जिसके साथ आप देखोगे जैसे मैं स्वैप कर रहा हूँ तो रेंज भी चेंज हो रही है गाड़ी की, इको पे, स्पोर्ट पे, कंफर्ट पे आपकी गाड़ी की रेंज चेंज हो रही है। जब 279 हो गई, पहले 265 थी, इको पे 296 हो गई, तो ये फ़र्क आता रहता है मोड्स के हिसाब से। ये ईवी कार्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लाता भी है कि जो आपका ड्राइविंग मोड होता है उसके बेसिस पे आपकी गाड़ी की रेंज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। मोर ओवर यहाँ पे सेंटर पे भी लिखा रहता है, बोलती भी है गाड़ी, इको मोड, स्पोर्ट मोड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब इन्हांस कर दी गई है एंड काफ़ी फ़र्क आया गाड़ी में। ओवरऑल प्रोडक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस है। सेंटर में जो आर्म रेस्ट है ये काफ़ी डीप है, मैं कहूँगा विड्थ में कम है पर डीप बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कहूँगा इसको। ग्लव बॉक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप है बट इल्यूमिनेटेड है। एक चीज़ की ये देखो आप, यहाँ पे अभी भी कप होल्डर्स यही है, ये शेर का मेक इन इंडिया वाला लोगो है। मोर ओवर इल्यूमिनेटेड है तो ये चीज़ अच्छी है, बट डेप्थ इतनी ज़्यादा है और कप होल्डर इसमें पूरी गाड़ी में कहीं पे और कप होल्डर ही नहीं है, जो मेरे को एक नेगेटिव ज़रूर लगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके डायमंड कट अलॉय व्हील जिसका भी डिज़ाइन इन्होंने चेंज कर दिया। गाड़ी में ओवरऑल काफ़ी जगह डिज़ाइन चेंजेस है, पूरी एक प्रॉपर फेसलिफ्ट है, माइनर फेसलिफ्ट इसको आप नहीं कहोगे, एक प्रॉपर फेसलिफ्ट जैसे मतलब जिसमें हर चीज़ें चेंज हुई हैं। आप डिज़ाइन देख सकते हो, लाइट देख सकते हो, फीचर्स तो इतने चेंज करे इन्होंने और एक बहुत ही बढ़िया पैकेज बना दिया। मतलब कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा दिस इज़ अ देसी टेस्ला, क्योंकि ईवीज की मार्केट में जो एक अफोर्डेबल ऑप्शन था वो नेक्सॉन का ही था एंड वो इन्होंने इतने अच्छे से एनहांस करा। अब जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो आप देखना कैसे एकदम से लोगो इल्यूमिनेट हुआ, टाटा मोटर्स की एनिमेशन आई, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो डिजिटल है उसमें कैसे वेलकम फीचर की तरह चल रहा है। इतना ज़्यादा काम करा ना टाटा ने अपनी अब की बारी, मतलब जो इन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर खरीदे हुए ब्रांड्स उन दोनों से इंस्पायर्ड होकर अपनी नॉर्मल अफोर्डेबल गाड़ियों में फ़ीचर्स लाए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी वजह से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है या फिर एक ओवरऑल इतना बढ़िया पैकेज लग रहा है, इतना प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये पैसे तो टाटा वाली गाड़ियों के ही हैं पर फीचर्स, सॉफ्टवेयर ये सारी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली गाड़ियों से इन्होंने कॉपी करा है। जैसे आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे एसी कंट्रोल्स आपके स्क्रीन से टच होके सारा हो जाएगा। मोर ओवर आपको नीचे यहाँ पे एसी के पैनल मिला जो टच वाला, तो उसकी मदद से भी आप पूरी गाड़ी के एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों में मिलती थी, अब टाटा नेक्सॉन ईवी में मिल रही हैं या फिर न्यू टाटा नेक्सॉन में मिल रही हैं। साउंड मोड्स वाला जो फीचर होता है ये मिलता तो काफ़ी गाड़ियों में है, बट जो JBL का सेटअप है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी है। इसमें आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, एक सबवूफर भी मिल जाता है, तो ओवरऑल आपको बाहर से अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं होगी। एलेक्सा इसमें आ गया, उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा वॉइस रिकॉग्निशन भी इसमें आ गई है। सिंपल आप बेसिक काम कराना चाहो तो आप कुछ कुछ कमांड्स देके इस गाड़ी की सनरूफ खोल सकते हो, बाकी सारी चीज़ें एलेक्सा से बात करके आप अपना कुछ कुछ सर्च कर सकते हो गूगल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स होते थे जो इस अफोर्डेबल रेंज में आपको नहीं मिलता था कहीं पे। जैसे मैंने बताया कि इसका जो कैमरा है वो ह्यूजली अपग्रेडेड है, पिछली वाली नेक्सॉन में सिर्फ एक काम चलाऊ कैमरा था, इस वाली नेक्सॉन में सेगमेंट का बेस्ट कैमरा आप ये कह सकते हो। उसी के साथ टच स्क्रीन साइज सेगमेंट में सबसे बड़ी इसमें है, पहले वो छोटी सी 6-7 इंचेस की आती थी, अब इन्होंने वो अपग्रेड करके बिल्कुल ही बड़ी सी मैसिव सी टच स्क्रीन दे दी है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज क्रिएट कर दिया टाटा ने। तो टाटा नेक्सॉन चाहे आप पेट्रोल वाली ले लो या ईवी वाली ले लो, वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको अभी ईवी पे स्विच होना है या नहीं होना, बट एज अ प्रोडक्ट अगर मैं नेक्सॉन की बात करूँ तो टाटा ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एडवांसमेंट्स दिखा के मेरे को ऐसा लगता है मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मूव प्ले करा है। आप सबको कैसा लगता है कि टाटा ने कैसा परफॉर्म करा है, न्यू नेक्सॉन आपको कैसी लगी आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। ओवरऑल मैं कहूँ तो मेरे को तो ये पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सेफ्टी टाटा के पास थी ही थी, फीचर्स टाटा पिछली जनरेशन जो फर्स्ट नेक्सॉन आई थी उससे दे ही रहा है, जो इनकी जेट एडिशन में वेंटिलेटेड सीट्स और ये सब आता था वो इसमें भी है, और ज़्यादा अच्छे इन्होंने जो इनके फ्लॉज थे उन पर भी काम करके इम्प्रूवमेंट लेकर आया टाटा। अब मैं बस टाटा से यही चाहता हूँ कि अब वो थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस पे भी काम करे। जैसे टाटा ने अब DCA गियरबॉक्स निकाला है, दैट इज़ बेसिकली डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स और वो भी वेट क्लच वाला, जो कि इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है मैं ऐसा कहूँगा। पर टाटा को अब क्या करना चाहिए, अपने इंजन्स को अपग्रेड करना चाहिए, कि जैसे अगर ये 108 BHP 118 BHP जो भी ये लोग क्लेम करते हैं उतनी पावर फील नहीं होती गाड़ी में, पर अब उतनी पावर अगर गाड़ी में फील होने लग जाए, ड्राइविंग प्लेजर बढ़ जाए, स्टेबिलिटी अच्छी है, राइड एंड कंफर्ट अच्छा है, बस इंजन में परफॉर्मेंस ही कमी है। अब तो ट्रांसमिशन भी इतना बढ़िया ले आए हो टाटा,
तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस पे और काम कर लो तो आपकी गाड़ी किसी भी एस्पेक्ट में कम नहीं रहेगी। फीचर लोडेड हो गई, सेफ्टी वाइज हमेशा से अच्छी रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आई रही है, ट्रांसमिशन इतना बढ़िया आ गया है, इंजन परफॉर्मेंस की वजह से कमी रह गई है, वो अगर इम्प्रूव करती टाटा की गाड़ियों में कोई कमी निकाल ही नहीं पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ओवरऑल मेरे को पर्सनली टाटा नेक्सॉन एज अ पैकेज अंडर 4 मीटर आज के किसी भी राइवल से, अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के पीछे नहीं हो तो एक परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट रेशियो से आप बैकआउट कर सकते हो, तो किसी भी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी लगी। आपका क्या राय है इस बारे में आप भी मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।